भारतीय कुश्ती संघ WFI के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को जीत मिली है। अब वह भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष होंगे। इस जीत पर ब्रिजभूषण खेमा इसे अपनी जीत बता रहा है तो उन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवान खेमे में भी जबरदस्त मायूसी छाई हुई है। ओलंपियन रेसलर साक्षी मलिक ने इस जीत के बाद दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलवानी से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। साक्षी मलिक ने दिल्ली में बात करते हुए कहा कि महिला पहलवान कुश्ती त्यागने की वह घोषणा कर रही है, उसके साथ ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी नजर आए। साक्षी मलिक ने कहा कि हमें बहुत साल लगे कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। हमारी मांग थी कि महिला अध्यक्ष हो, अगर महिला अध्यक्ष होगी तो महिलाओं का यानी पहलवान महिलाओं का शोषण नहीं होगा। इससे पहले साक्षी ने कहा कि हम लड़ाई नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए, हमारा समर्थन करने वाले देश भर से दूर दूर से लोग आए, हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। साक्षी मलिक ने कहा कि अगर कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का करीबी ही रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को आज ही त्यागती हूं। आज से आप मुझे मैट पर नहीं देखेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह चुने गए WFI के नए अध्यक्ष। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को चुनने के लिए कुल 47 वोट पड़े थे, संजय सिंह को 40, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट रही हरियाणा की अनीता श्योराण को सिर्फ 7 वोट मिले। संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं। पहलवान बजरंग पूनिया ने संजय सिंह को ब्रिजभूषण शरण सिंह का राइट हैंड बताया। ब्रिजभूषण शरण सिंह जब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे तब संजय सिंह उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। महिला पहलवानों ने पूर्व भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कई संगीन आरोप लगाए थे। इनमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट जैसे नामी पहलवान शामिल थे। इसे लेकर पहलवानों ने दिल्ली में ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना भी दिया था। महिला पहलवानों के समर्थन में बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी नजर आए थे। पहलवानों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद खेल मंत्रालय ने ब्रिजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता वाली WFI को निलंबित कर दिया था। वहीं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अगस्त में WFI के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी थी। 4 महीने के बाद WFI के चुनाव पर रोक हटने पर अब चुनाव कराए गए थे। आपको यहां पर बता दें, संजय सिंह का वाराणसी में अपना बिजनेस है और वह RSS से जुड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि संजय सिंह कुश्ती संघ के नीतिगत सभी फैसलों में ब्रिजभूषण शरण सिंह की राय लेकर ही काम करेंगे। संजय की जीत के बाद भारतीय ओलंपिक संघ के परिसर में हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लगे। कुतुब मेल के लिए आरिफ जमाल, दिल्ली। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.